सो गाइस, तुम आ तो गए हो, लेकिन आज हमें बहुत ज्यादा मेहनत का काम करना है यार। हमारे जो विलेज का मुखिया है, उसने कहा है कि तुमने गांव की डेवलपमेंट में हमारा गांव ही गायब कर दिया, तो अब हमारे लिए एक पूरा का पूरा गांव बनाओ। तो उसने ये जगह दिया मुझे काट पीट के, तो यहाँ पे इन डब्बों के अंदर घर बनाने हैं मेरे को उनके लिए, मतलब। और यार, ये इतना मस्त और इतना बढ़िया बना है ना, एंड में जब आप रिजल्ट देखोगे ना इसका, भाई साहब आप कहोगे ये क्या ही बना दिया, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर बना है। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। तो इन जगहों पे चारों तरफ घर बनेंगे, तो घर बनाना जल्दी से शुरू करते हैं। एंड हाँ, इसके बदले में पता है मेरे को क्या दे रहा था? वो एक डायमंड कारमर दे रहा था। मैंने कहा इतने में तो मैं करूंगा नहीं, तो मैंने उससे 2 डायमंड कारमर और 16 डायमंड एक्स्ट्रा मांगे हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो देगा या नहीं, पहले मिंडा को देख लेते हैं। अरे वो दूसरे वाला कुद्दा, कूद दिया तू भी? कुद कुद कुद। ओ भाई साहब, मेरे ऊपर से भी कूद रहा यार, इतनी ऊपर जंप करते हैं ये। चलो सही है, मुंह भी फुला रहा। चलो गाइस, जल्दी से घर बनाना शुरू करते हैं। सामान सारा विलेजर ने यहाँ पे दे रखा है इन चेस्टों में हमें, तो इसमें सारे ब्रिक्स हैं। ओ, ब्रिक्स से बनाना है यार, सही है, चल अच्छा बनेगा। ओके, वुड है, डोर्स हैं। ओके यहाँ पे, ओके यहाँ पे और भी है, फेंस फूंस। ओके, जॉब्स वगैरह का सामान भी है, बेड दे। ओ, आयरन के ब्लॉक है ये, आयरन गोलम भी बनाने मतलब। चलो ठीक है गाइस, तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। मुखिया देख ले, तेरे वास्ते पूरा विलेज बनाना लग रहा हूँ। मेरे ते मेरा सामान दे दिए, 2 डायमंड के आर्मर और 16 डायमंड एक्स्ट्रा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो गाइस बनाते हैं अब जल्दी से। सो गाइस, सबसे पहले आपको लेने हैं प्लैंक्स और फ्लोर बना देना है इस डब्बे के अंदर। ठीक है, उसके बाद चारों डायरेक्शन में लगा देने हैं लॉग्स, 5 4 4 ब्लॉक की हाइट के। पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो गाइज, उसके बाद आपको चारों डायरेक्शन में ऐसे लॉग से लगा देने हैं, 4 4 ब्लॉक की हाइट के लगाने हैं। तो पहले लगा देते हैं, उसके बाद थोड़ी काटा पिट्टी भी करनी होगी, वो देख लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले लगा लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको वॉल्स खड़ी कर देनी है ब्रिक से। ठीक है, मतलब ब्रिक से वॉल खड़ी हो जाएंगी, खिड़कियाँ वगैरह बाद में काट लेंगे, दरवाजा वगैरह, लेकिन पहले वॉल खड़ी कर देते हैं जल्दी से। तो गाइस, जल्दी से अब वॉल भी खड़ी कर देते हैं चारों डायरेक्शंस के अंदर। और वॉल होने के बाद फिर आगे इसकी काटा पीटी करके खिड़कियाँ बना देंगे। और हाँ, छत है मेन चीज़, जो मतलब थोड़ी वैसी बनेगी, नॉर्मल वाली वी शेप की ही बनाऊंगा मैं। दे इस बार है ना, लंबी बनाएंगे छत, मतलब जैसे लंबी, मतलब उल्टा वी, बड़े वाला वी, मतलब देख लेना कैसे बनेगी। ठीक है, बढ़िया लगेगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, जैसे बिछाए उस टाइप की होती है कुछ उस टाइप से। चलो आप देख ही लेना, मैं क्यों बता रहा। सो गाइज, ऐसी वी शेप की बनानी है आपको, दो दो ब्लॉक की, यानी 2 ब्लॉक, फिर 1 ब्लॉक अंदर, फिर 2 ब्लॉक ऊपर, फिर 1 ब्लॉक अंदर, फिर 2 ब्लॉक ऊपर। तो इस तरह से वी शेप बनने के बाद यहाँ सेंटर में आ जाएगा आपका डोर। डोर के लिए तोड़ लेते हैं, एंड उसके बाद स्टेयर वगैरह लगा देंगे, सजा सजू देंगे। सो पीछे भी ऐसे ही करना है, एंड ऊपर आपको छत बना देनी है। तो एक बार मैं जल्दी से छत भी बना लेता हूँ, देन दिखाता हूँ कि छत कैसी लग रही है। सो गाइस, छत बनाने के लिए पहले आपको लगानी है स्टेयर्स, और जो उससे ऊपर वाला ब्लॉक होगा ये वाला, यहाँ पे स्टेयर नहीं लगानी है, यहाँ पे नॉर्मल प्लैंक की एक लाइन खींच देना। ठीक है, इसके मतलब इसके सामने ही यहाँ पे ऐसे पूरी लाइन खींच देना, इसके ऊपर फिर स्टेयर लगाना, स्टेयर के ऊपर फिर से एक प्लैंक की लाइन, जैसे ये वाली खींची है वैसे इससे ऊपर, और वैसे उससे ऊपर, मतलब ऐसे ऐसे करके आपको लगानी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टेयर लग जाएंगी, ठीक है, और उसके ऊपर वाले पे प्लैंक्स लग जाएंगे, तो ये चीज़ करनी है। सो गाइज, मैंने एक साइड से पूरी छत कंप्लीट कर ली और ये काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। तो दूसरी साइड से, मतलब एक काम करते हैं, मैं सारे के सारे घर क्लियर, मतलब क्लियर कह रहा, बना देता हूँ, एंड उसके बाद आपको पूरा विलेज बनने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या ही सुंदर चीज़ बनाई है। सो गाइज, मैंने ये वाली दूसरी साइड भी इसकी पूरी कर लिया, और ये भी बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, अब इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सभी घर का इंटीरियर सेम होने वाला है, तो आप इस घर का देख लो, वैसे सभी का बनाना है। यहाँ पे मैंने 2 ये पॉट वगैरह लगा दिए हैं, अंदर से यहाँ पे चेस्टें लगी हुई हैं, यहाँ पे 2 बेड है, क्योंकि हर घर के अंदर 2 विलेजर होने वाले हैं, एक उसकी पत्नी और एक ये सूर जैसा विलेजर। ठीक है, यहाँ पे एक और मैंने मकड़ी छाप दिया है, और यहाँ पे जो बंदा होएगा वो ब्लास्ट फर्नेस वाला होने वाला है। यहाँ चेस्टे हैं, यहाँ पे पेंटिंग है, जो दोनों पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, वही वाला सीन हो रहा है फोटो के अंदर। तो बाकी देख लेंगे और क्या करना है इस घर में, बाद में कस्टमाइज थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन फिलहाल पूरे के पूरे, मतलब 7 घर हैं यहाँ पे, 7 तो घर बनाते हैं,
ठीक है, और सातों के सातों घर बना के जब पूरा का पूरा विलेज रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद में हाँ विलेज के चारों तरफ बाउंड्री भी बनानी है, ग्रीन मतलब गोल आकार में, वो भी देख लेना कैसे बनानी है। फिलहाल पूरा विलेज मैं कंप्लीट करता हूँ, एंड पूरा विलेज कंप्लीट होने के बाद दिखाता हूँ। और हाँ, यहाँ सेंटर में फुहारा बनेगा, ठीक है, तो पूरा विलेज कंप्लीट करते हैं, देन मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली पूरा का पूरा विलेज कंप्लीट हो चुका है, और सच्ची बता रहा है यार, इसमें मेरे को पता 2 3 4 घंटे पहले, मतलब मैंने ये घर, ये पूरा विलेज दो दो तीन दिन में बना के पूरा करा है, इतना टाइम लगा है, मतलब दिन में, मतलब टोटल इसको 7 8 घंटे लगे होंगे, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे घर हैं सारे सेम टू सेम घर हैं, और बहुत मस्त लग रहे हैं, ठीक है। अंदर इंटीरियर जो है वो सेम है, यहाँ पे जैसे ये वाला है अपना विलेजर जो कुछ भी ट्रेड कर रहा है, टूल्स वगैरह ट्रेड करता है, ये टूल्स देगा हमें, ऐसी अलग अलग घर में अलग अलग जॉब वाले विलेजर्स हैं, ठीक है। और विलेजर अपने आप शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, इनका जो मुखिया है उन्होंने बोल दिया था कि तुम्हारे घर तैयार है, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और घरों में शिफ्ट हो जाओ, तो ये हो गए। बीच में फुवार है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहाँ पे मैंने बोन मील मार दिया था सारे में, घास घूस उगी, फूल वगैरह, जिससे ये और भी अच्छा लग रहा है। और बाउंड्री आप देख रहे होंगे कि मैंने लीव से बनाई है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये विलेज अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, आगे और भी मस्त वाली चीजें बनने वाली हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस ना करो। एंड अभी एक और मेन चीज आती है, मेरा आर्मर जो विलेजर को देना था, देखते हैं कि उसने दिया है या नहीं। ओए ये रहा मुखिया, ओए मुखिया, मेरा आर्मर कहाँ है बदले में? अच्छा, ठीक है, मैं भी सोच रही हूँ चेस्ट क्यों रख रखी है यहाँ पे। ओह गाइस, चलो फाइनली इस बार इसने दे तो दिया, पिछली बार इसने स्कैम करा था मेरे साथ, दिया नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। तो गाइस, अब आर्मर तो मिल गया, इसको रखूँ कहाँ पे? तो इससे आप नेक्स्ट वीडियो का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी आने वाली है, कि आर्मर कहाँ रखे जाते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पता, आपको गैस करना है कि कौन सी आने वाली है, कि आर्मर को कहाँ रखा जाता है, वही चीज़ हम बनाने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है, तो जिसका भी सही कमेंट होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।